morning, everyone. Welcome back to our channel and hope you all are doing well. हम लोग भी ठीक ठाक हैं. गणेश चतुर्थी के बाद से ना हाथ पैर नहीं हिल रहे, इतना मतलब टायरिंग लग रहा है. एनीवेज बहुत अच्छा लगा था. पता है आज ना मन थोड़ा सा उदास हो रहा है कि चलो पूजा खत्म हो गई. कोई नहीं, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और बहुत अच्छा अच्छा न्यूज पापा आने के बाद हुआ. मेरा 70,000 व्यू कंप्लीट हो गया, उसके लिए मेल आया मुझे और उसके बाद मयंक को प्राइज मिला स्कूल से. अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे. एनीवेज चलो, और आज का खुशखबरी मैं बताऊं. आज का खुशखबरी एक्चुअली मैं क्यों बता रही हूँ इतना खुश होके, क्योंकि कल रात को डिश वॉशर का जो ऑर्डर की थी मैं, सोप और डिटर्जेंट और लिक्विड जो ऑर्डर की थी, कल रात को डिलीवर हो गया. मतलब कल शाम को डिलीवरी हुआ. मुझे हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे इतना दिन. मतलब गणेश चतुर्थी का एक दिन पहले से मैं हाथ से बर्तन धो रही थी क्योंकि डिटर्जेंट खत्म हो गया था. ऑर्डर की थी तो वो ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ा क्योंकि वो लोग के पास आउट ऑफ स्टॉक था. और उसके बाद फिर से मैंने रीऑर्डर किया एंड उसके बाद कल फाइनली शाम को डिलीवरी हो गया. तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को. अच्छा, ये जगह ना थोड़ा सा मेसी है. यहाँ पे पानी का बॉटलर कब थोड़ा सा रखा हुआ है. ये देखिए आ गया फाइनली. तो मैं वही बोल रही हूँ कि पापा घर आने के बाद सभी अच्छे अच्छे गुड न्यूज मिल रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली. मतलब डिश वॉशर का जो डिटर्जेंट आ गया ना, इट्स सो रिलीफ फॉर मी. कल रात को मैंने हाथ से बर्तन नहीं धोए, मैं पूरा बर्तन डिश वॉशर में डाल के और फिर मैं चल गई थी सोने. कल जल्दी भी सो हो गया मेरा सारा काम कम्प्लीट, क्योंकि समझ ही रहे हो डिनर के बाद बर्तन बहुत जन क्या करता है कि बर्तन चलो रख देता है, बहुत जन बर्तन रख देता है. मतलब कल सुबह करेंगे ऐसे. मेरा ना किचन थोड़ा सा गंदगी रहने से ना रात को नींद नहीं आती है, थोड़ा प्रॉब्लम है ये वाला. एनीवेज चलिए, 6:10 हो रहा है. अभी अभी मैंने मयंक का लंच बॉक्स रेडी किया और अभी मैं हम लोगों के लिए चाय रेडी करती हूँ. आप लोग पीजिएगा चाय. तो चलिए चाय बनाती हूँ सबके लिए. मयंक स्कूल चला गया है, उसको छोड़ के, मतलब शेखर जी गए हैं उसको छोड़ने. स्कूल छोड़ के मैं जा रही हूँ अभी ऊपर काम पे लगती हूँ, क्योंकि रूम का बेडरूम का हाल आपको देखा, उसको क्लीन अप करना है, सही करना है, ठीक ठाक करना है, यही आज करना है. मैं बेडरूम का हाल आपको दिखा रही हूँ. ये देखो मेरा बेडरूम का हाल कितना खराब हाल होके है ना. अब देखो एक्चुअली बहुत खराब हाल होके हैं. इसको मुझे अभी क्लीन अप करना है, सही करना है, झाड़ू पोछा करना है, ठीक ठाक करना है और उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और ब्रेकफास्ट का तैयारी करूंगी. फिलहाल मैं इसको क्लीन कर लूँ. और आज ना लंच में बहुत एक ऑसम रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, इंस्टेंट वाली, झटपट बन जाती है क्योंकि वो घर में मैं हमेशा बनाती हूँ. और पापा घर पे आए थे, पापा का भोग में भी मैं चढ़ाई थी. विदाउट ऑनियन गार्लिक बनता है, बहुत अच्छा बनता है. मैं आपको जब लंच बनाऊंगी तब शेयर करूंगी. फिलहाल मैं रूम क्लीन करती हूँ. तो एवरी डे की तरह मैं भी सुबह में अभी यहाँ पे रूम को क्लीन कर लूँगी. अच्छा, बहुत सब्सक्राइबर मुझे सवाल करते हैं कि दी आप सुबह उठ जाती हो तो नहा के आप पूजा पहले क्यों नहीं कर लेती हो.
तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर मैं पूजा करने के लिए चली गई नहा के, तो वहाँ पे कुछ वक्त मेरा लग जाएगा और बच्चे का स्कूल के लिए मुझे एटलीस्ट 6:30 तक तैयारी कर लेना पड़ता है सब चीज़ का, क्योंकि उसके बाद मैं को उठाना पड़ता है और उसको फिर रेडी करके स्कूल 7:20 तक वो स्कूल निकल जाता है। फिर शेखर जी भी निकल जाते हैं अपना काम पे, घर आके ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाते हैं, तो उस बीच में मुझे एकदम टाइम नहीं होता है। मैं एक्चुअली उठ जाती हूँ 4:30 5 तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन 4:45 बजे उठ के उसके बाद मैं मतलब फटाफट से मेरा जो काम रहता है वो निपटाते रहती हूँ। एक्चुअली उठ के ही मैं बैठती नहीं हूँ, थोड़ा सा पानी पी के मैं डायरेक्टली किचन में चली जाती हूँ। मैं मेरे पास और कोई टाइम भी नहीं रहता है और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बच्चे का टिफ़िन भी रेडी करना होता है, शेखर जी का ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, बच्चे का ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है। तो ये सारे काम ना शेड्यूल होके रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के नहा के आगे पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो करने जाऊँगी तो सारा काम मेरा डिले होते रहेगा। तो ये देखिए ना, तो बच्चे स्कूल चले गए तो शेखर जी निकल गए, तो उसके बाद कितना सारा काम रहता है। सब कपड़े ना मुझे सूंघ सूंघ के निकालने पड़ते हैं कि कौन सा कपड़ा गंदा है कौन सा अच्छा है, वो रखना पड़ता है। बच्चे का सारा चीज़ सामान इधर उधर बिखरा फैला हुआ रहता है, वो सारा सामान सही करना पड़ता है। उसके बाद तो झाड़ू पोछा वो अलग से तो है ही है। तो बस इसलिए मैं सुबह उठ के नहा के आगे पूजा नहीं कर सकती हूँ, और करने भी जाओ 2-3 बार कोशिश भी मैं की थी, लेकिन मेरा ना तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि अगर नहाने जाओ तो मुझे 4:30 बजे सुबह में नहा लेना पड़ता है, और उसके बाद काम का तो शेड्यूल होता ही है। एनीवेज चलिए, घर का काम होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, किचन भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन अप कर लूँगी, उसके बाद मैं बाकी फ्रेश हो चुकी हूँ और मेरा पूजा हो चुका है, मतलब शावर ले चुकी हूँ और पूजा हो चुका है मेरा। अभी मैं जाऊंगी लंच का तैयारी करने, क्योंकि नहीं तो इसके बाद अगर मैं लंच का तैयारी करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट बनने वाली कुछ लंच में बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फ्राइड भिंडी बनाऊंगी, लेकिन मैरिनेट करके बेसन के साथ, बहुत अच्छे बनते हैं, और रोटी के साथ या दाल रोटी और भिंडी बहुत फेमस, मतलब बहुत अच्छा लगता है, फेमस है मेरे घर में। लेकिन आज मैं कुछ अलग टाइप का बनाऊंगी, ऐसा मैरिनेट करूंगी बेसन से। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किचन में कैसे बनाती हूँ। चलिए मैं आ गई हूँ किचन में लंच का तैयारी करने, और यहाँ पे मैंने ले लिया है भिंडी। भिंडी को ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और आप बोलोगे कि दी आप सिंक में क्यों रख रही हो, तो सिंक मैं पहले से ही धो के साफ़ करके मांझ के रखी हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भिंडी को अच्छे से धोना ज़रूरी है, तो बस ये भिंडी ख़राब निकल गई तो उसको हटा दिया मैंने, और सारे भिंडी को अच्छे से हाथों से मसल के धो के अब इसको ना एक कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे हम, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। तो भिंडी को मैंने सुखा लिया है ऑलरेडी, और इसको ना मैं कटिंग कर लूँगी अच्छे से, मतलब जितना सारा भिंडी है छोटा छोटा करके मैं कट कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, आप अगर मतलब एक एक भिंडी कट करो तो भिंडी में अंदर में कीड़ा वगैरह है कि नहीं वो भी पता चल जाता है। तो चलिए मैं भिंडी सारे मैं कट कर लिया हूँ, और सारे भिंडी एकदम फ्रेश है। अब चलिए इसको प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ मैं। तो प्रोसेस में मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ना मैं मसाले कर दूंगी पहले, मतलब मैरिनेट करके रखूंगी। हल्दी छोटा चम्मच का, 2 छोटा चम्मच यूज़ कर सकते हैं आप, कंसिस्टेंसी मतलब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, भिंडी कम या ज़्यादा हो तो। मैं 2-3 छोटा चम्मच हल्दी डाल दी हूँ इसमें, थोड़ा सा 1 बड़े छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, मतलब 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, मतलब 2 छोटा चम्मच 2-3 छोटा चम्मच में डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नॉर्मल जो तीखी वाली लाल मिर्च होता है वो मिलाई हूँ, और थोड़ी सी धनिया के पाउडर 1 बड़ा चम्मच धनिया के पाउडर इसमें मिला दीजिए। उसमें साथ ही में आप इसमें मिलाइए थोड़ा सा आमचूर पाउडर और बेसन। मैं बेसन के साथ ना आमचूर पाउडर मिक्स करके रखी थी,
मतलब मैं रख देती हूँ थोड़ा सा अलग से, क्योंकि बहुत कुछ बनाने का रहता है ना इसलिए। और मैं नमक शुरू में नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और बेसन मिलाने के बाद ना इसको थोड़ा सा सूखा में ही हम मैरिनेट कर लेंगे। इसमें ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। बस थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद इसमें मैं मिलाऊँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक मिलाने के बाद ना थोड़ा सा नींबू का रस भी मैं इसमें मिला दूँगी, मेरे पास था ऑलरेडी। ज़्यादा नहीं कि हाफ नींबू आप मिलाए, वैसा नहीं, थोड़ा हाथों से लेके बस वही हाथ में थोड़ा सा लेके नींबू आप मिला लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आमचूर पाउडर है। और अगर आमचूर पाउडर ना डाले आप तो नींबू का रस, एक गोटा नींबू का रस मिला सकते हैं। देखिए नींबू का रस मिलाते ही कैसे चिपचिपाहट आ गया इसमें। ये जो चिपचिपाहट है ना, ये इसलिए है क्योंकि आप तो जानते ही हैं क्यों है, और भिंडी में सारे मसाले ना कोट भी हो जाएगा, तो ये अच्छा ही है, कुछ मतलब परेशान होने का ज़रूरत नहीं हो है आप लोगों को। तो बस इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, और क्या करना है, मैरिनेट करके छोड़ना नहीं है। मतलब ज़्यादा देरी आप छोड़ दिए मैरिनेट करके इसको, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ में आप कढ़ाई ले लीजिए, उसमें रेगुलर ऑयल में डाल रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। मैं 2-3 टेबल स्पून रेगुलर ऑयल ली हूँ और उसमें डाली हूँ थोड़ी सी ज़ीरा। ज़ीरा फ्लैटर करते ही मैं ये मैरिनेशन वाला जो भिंडी है पूरा ही मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से स्टर देना है आपको। मतलब इसको अब ढक्कन लगा के आपको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू मीडियम टू लो फ्लेम में, शुरुआती में तो आप हाई फ्लेम में कीजिएगा, ये मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम में नहीं कीजिएगा क्योंकि भिंडी का जो लिबलिबापंथी होता है ना वो आ जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम करके छोड़ दीजिए ढक्कन लगा के, 2-3 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए भिंडी इस तरह से हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगी भिंडी, भिंडी जितना भी पानी है रिलीज़ करके भिंडी बैठ गई है। और इसको आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, स्टर देते रहना है। तो इस तरह का जब कंसिस्टेंसी आपका आ जाए भिंडी का, मतलब सूख जाए, जितना भी उसके अंदर पानी है वो सारा सूख के भिंडी एकदम सूखा हो जाए, उसका बीज जो है शीट्स वो दिखने लगे, तो आपका भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है। देखिए भिंडी का सीड्स दिखने लगा है। बस इसके बाद थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसमें डाल दीजिए आप, और कुछ नहीं करना है ना, आसान सी सब्जी, फटाफट 5 मिनट में आपका बन जाएगा ये सब्जी। अगर आपका हाथ में टाइम कम हो, ज़्यादा गर्मी लग रही है, किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, 15-20 मिनट में ये सब्जी आपका रेडी हो जाता है। साइड बाई साइड आप दाल बैठा दीजिए, मतलब चढ़ा दीजिए कुकर में, और उसके साथ रोटियाँ सेक लीजिए। मैंने भी आज ऐसा ही किया है, क्योंकि मेरे हाथ में आज टाइम बहुत कम था, बहुत ज़्यादा काम करते करते मेरा टाइम चला गया था, और मुझे जल्दी से लंच भी बनाना था, तो इसलिए मैंने इस तरह का मतलब फटाफट बनने वाली बेसन वाली भिंडी मैंने बना लिया है। बेसन वाली भिंडी दूसरे तरीके से भी बनता है, वो मेरा चैनल में ऑलरेडी है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये भिंडी तो मेरा रेडी हो गया है, भिंडी का ड्राई सूखी सब्जी। तो मैंने लंच में आज ये बना दी थी कि दाल था, रोटी, दाल रोटी, और उसके साथ भिंडी की सूखी सब्जी, और उसके साथ एक एग्स भी बना दिए थे सबको, क्योंकि सबको एग्स खाने का बहुत मन था, चाव से सबको बहुत अच्छे से खाया, और मयंक को तो बड़ा ही पसंद आया, और शेखर जी को भी। तो इस तरह का रेसिपी आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, और ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, लेकिन टेस्टी बड़ा बनता है। हम लोगों का लंच वगैरह हो गया, मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, और मैंने जाके सारे कपड़े, एक्चुअली बहुत सारा कपड़ा था जो रखा हुआ था, तो उसको सारे धो के मैंने ऊपर फैला के आई हूँ सेकेंड लॉट कपड़ा, तो इसलिए मैंने फिर से शावर ले लिया। और अभी फिलहाल ये देखो एसी चल रहा है बोल के मैंने गेट बंद कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। तो बस लंच वगैरह हो गया है, थोड़ा सा अभी रेस्ट करूंगी, तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए
मैं आज यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब व्हिच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद पर्वा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ।